बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे आप सब बताए खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को और सब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी, आपको जैसे कि पता है कि हर जुमे मैं आपको ये बात करती हूँ कि जुमे के लिए नहाना और गुस्ल करना और जो नए कपड़े पहनने को फूल लगाना औरतों के लिए ख़ास तौर पर सुरमा लगाना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। तो बेशक आम दिनों में नहीं, लेकिन जुमे वाले दिन जो है ज़रूर जुमा भी अदा किया करें और साथ में अच्छे साफ कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। तो जी, आपसे शेयर करूँगी अपने जुमे के दिन की रूटीन, क्या मैंने क्या पकाना है, क्या कुछ काम शाम करनी है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी, घर के काम शाम मैंने कर लिए हैं, सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं। अब जी सबसे पहले मैंने नहाना है, नहा के जो है नमाज वगैरह अदा करनी है और जुमे की, क्योंकि जुमे का दिन है, आपको पता है टाइम का पता नहीं चलता। तो काम शाम हो गए हैं, देखिए मैंने सफाई वगैरह भी कर ली है। अब जी जल्दी से मैं जो है नहा कर फ्रेश होकर जो दोपहर का खाना बनाऊँगी, दोपहर का लंच बनाऊँगी। तो आज मैं लंच में कुछ स्पेशल बन रहा है, तो आपने ज़रूर देखना है कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। जी आज चीज़ें देखकर आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी। आज जी मैं बना रही हूँ नीली पटाखे, क्योंकि ऐसे कि आज आपसे शेयर करूँगी। सुबह सुबह का टाइम है हमारे पास, तकरीबन 9 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठी हूँ, मैंने कहा जल्दी से अपना नाश्ता बनाऊँ। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ नीली पटाखे। तो मूली को सबसे ज़्यादा हम करते हैं थोड़ी सी देर, आपको करके भी खाती हूँ। ये देखिए कितनी सारी हो गई है। तकरीबन जी ये कद्दू का शो भी है, और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो बारे में वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और जो चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं चीज़ें साथ ही वहाँ पर रखती हूँ, उसके बाद फिर वैसे मैं चटनी बनाऊँगी, एक के ऊपर टेस्ट नहीं डालती हूँ। इसके बाद ही हम लेंगे सब्ज़ मिर्ची, ये तो बिल्कुल बड़ी बड़ी काटें हैं तरीके से। ये देखिए हम क्या करें, इसमें हमने डालनी है सब्ज़ी, थोड़ी सब्ज़ी डालनी है। अब डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी, नमक हल्के से, इसके बाद जो हम डालेंगे इसमें साबुत सूखा धनिया, अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी ये देखो, दो छोटे छोटे से मैंने ये बॉल्स तैयार कर दी। इस तरीके से थोड़ी
छोटी गोल रोटी जो मैंने बनाई थी। वैसे तो पराठा जो है सिंगल टेबल लेकर बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से जो स्टफिंग है वो आप ज़्यादा पा सकती हैं। ये देखिए मैंने इस पर जो है ये लगा दिया है, इसको अच्छे तरीके से दबा देंगे ताकि आटे की साइड चिपक जाए और जो हमारा पराठा है वो बिल्कुल ओपन ना हो। इसके बाद ये हम ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पराठा रेडी हो गया, इसको हम डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा मूली का जो पराठा है वो चिकन को रेडी हो गया है। कितना प्यारा हमारा पराठा बना है, इतनी प्यारी सी लुक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रेडी है, अभी कॉल कर लेते हैं। तो ये देखेंगे फाइनली हमारा मूली का जो पराठा है बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं और पराठे तैयार कर दूँगी, इसकी मैं सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ। देख सकती हैं माशाल्लाह से ये अंदर से अंदर तक इसकी स्टफिंग बन रही है, तो मैं आपको कह रहा था कि हमारा पराठा जो है वो बन के रेडी हो गया। और ये अच्छा लगा होगा इसके बाद हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। तो ये पराठा हमारा बन के रेडी हो गया है, अब हम बना रही हैं सब्जी और पूरी की चटनी। बनाते बनाते तो हमारी मूली का पराठा जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और इसके साथ मैंने बनाई है सब धनिया और पुदीने की चटनी। ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनती है और वैसे पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो जी मैंने वैसे थोड़ा सा चेक किया था, मैं थोड़ा सा आपके सामने चेक करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो क्या ही बात है जी, मैं अपनी मूलियाँ मिक्स नहीं बन रही, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत मज़े का बना है, क्योंकि ये फ्रेश मूलियाँ जो है हम तोड़ के लाए थे उनका भी आए हैं। तो आई होप कि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, आपसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।